नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। एलनाबाद के गांव चहरवाला में चमत्कार, यहां शिव भोले की अनोखी महिमा देखने को मिली है। एक पेड़ के भीतर दो नागों के जोड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। यहां शिव मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो प्रमुख तारा बाबा कुटिया के प्रमुख सेवादार गोविंद कांडा पहुंचे, जिन्होंने 1 लाख रुपए नगद दिया और ये भी कहा कि शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने पर शिव परिवार भेंट किया जाएगा और वही शिवलिंग की स्थापना भी करवाई जाएगी। एक ऊपर तिलक काट रखे, एक वो नाग है जी, एक नीचे नाग है, दो नाग है। मैं 2 मिनट में आऊंगा। हाँ सही है जी, मेरे तो जी मेहनत करके आज इतना बनाई है, गांव गांव में शोक हूँ। क्या बात है, इतना बड़े सारो आपके एकदम फिर मतलब उधार सामान दिया लेके 5 लाख खरीदो करके वो लेके मंदिर में पूरा करना ही है। कोई मालिक सुना है वो बंदो आप ही आजिए, कमी आओगी बताइए। मैं तो 3 गाने लाके ले जाता है।
पहली जी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई बारिश आ गई भी स्वागत है और बहुत ही उम्मीद थी कि आएंगे। एक बार तो रद्द हो गया लेकिन दोबारा फिर भी आगे हमको बहुत बड़ी खुशी है और आगे बारिश आगे 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 तो हमारे मंदिरों का पूर्व ही सुन गांव चारवाड़ा में इस पावन धरती पे भाई गोविंद कांडार जी का मैं ग्राम चारवाड़ा की तरफ से और हमारे मंडल के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सब स्वागत और इस भोलेनाथ की मंदिर में पहुँचने पर सभी ग्रामवासियों ने जो सम्मान मान सम्मान दिया है और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो अपना कीमती समय यहाँ से सुबह 10-11 बजे से आप वेट कर रहे हो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और जो भी आपने प्यार प्रेम दिया है उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब आपके बीच में हरियाणा प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के अंदर गांवों की और समाज सेवा और लोगों के विकास की बात अमित अमित जी आपके बीच में पहुंचे एक बार जोरदार तालियां। अब आपके बीच में इलाहाबाद के दबंग नेता और हरियाणा के शेर गोविंद कांडा जी अपने विचार रखेंगे। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूँ, भोलेनाथ के चरणों में नमन करता हूँ। आज भोलेनाथ के मंदिर के जगह पर आज श्री शेर सिंह जी बेनीवाल, श्री चंदूराम जी, श्री धनपत जी, श्री हरदत जी, श्री मेहताब जी, श्री महावीर जी, श्री जसवंत जी, श्री दिनेश जी, श्री वजीर चंद जी, श्री अजमेर जी, श्री दलीप सिंह जी, श्री नथुराम जी, श्री महावीर जी, श्री संदीप जी सरपंच, श्री संदीप जी सरपंच रामपुरा से, श्री रोशन जी सरपंच जसानिया से, श्री हरदत जी बागड़िया, श्री अनिल जी पूनिया, श्री सरवन जी सहारन, श्री राजेश जी नंबरदार, श्री राजवाला जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री रोहतास कुमार जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री उदेश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, बधाई होती उसको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी, ग्राम की तरफ से भी, इलाहाबाद के पूरे मंडल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जयंत जी सरपंच गदरी से मेरे साथ आए हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री कृष्णलाल जी सैनी, हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला प्रधान जयसिंह जी कुसंबी, भाई नरेश सैनी जी, भाई नरेश गुर्जर जी, भाई पप्पू रंजा जी, मेरे सभी साथीगण, मीडियाकार, छायाकार, मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्वागत है। मेरे पास कल्ली गांव में सिरसा में बाबा तारा कुटिया में मिलने आए कि यहाँ भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है और आपका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया
और बुला के आज आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं मेरे चुनाव में आया और थे मैंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। या तो मेरी किस्मत काम कौन करे कि मैं थारी सेवा करता हूँ, पर थे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से, बीजेपी परिवार की तरफ से मैं सब बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ, धन्यवाद करूँ कि थे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। और हाँ, एक बात थारा जरूर बता दूँ, विधायक बनाया 50 साल हो, एक बारी विधायक बना दियो और 50 साल आना ना बुला दियो तो थे देख लो बराबर। आज भी मैं दिन के अंदर 11 लाख 1 और 5-7 लाख 1 16 लाख रुपया आज भी दिन में बांट रहा हूँ, आज भी सोए बांट गए। और सिरसा में थे रोज देखो अभी गोपाल कांडा जी, अभी पीछे छोटा भाई की डेथ हुई दिन 14 तारीख में, सारी गौशाला में हल्के की गौशाला में था नारायण में भी था, अपने सौ वाला में भी था और फूलका में था, सारा था कमलपुरा में था, सारी गौशाला में दिन 50 लाख रुपया बांट गए। आशीर्वाद दे दो तगड़ो सो अहलाबाद हल्का विधायक बना दो और अहलाबाद ने मैं जाता हूँ। सर मैं भी कौन छोटू वाला जाता हूँ अहलाबाद हल्का मैंने 70 साल फिर जो 70 साल में सेवा करी नहीं बात हारी बुला दी और 5 साल में इतनी करके दिखाऊंगा। मेरी किस्मत काम कौन करी मैं थारी सेवा कौन कर सके, पर मुख्यमंत्री जी के नजर भी जाऊं इलाहाबाद हल्के की बकाल खड़ा कर और फुल पीसा भेजा ला रहे काम होने लग रहे। अभी वो जी को काम होने लग रहे 100 करोड़ रुपया को काम है जिन्होंने गगनदर अनाज को नहीं अनाज होना। मुख्यमंत्री जी को बहुत आशीर्वाद है हल्के पे और मेरा हो जाता तो फिर दबके ही हो जाता, फिर भी कोई कसर कौन छोड़े मुख्यमंत्री जी। 12 बजे से 4 बजे तक बाबा तारा कुटिया में बैठू, कभी भी बिना कहने लिए 2 का मेरे कन तो अंदर मत को देख के बाबू दे को बाहर मेरे कन आज मुख्यमंत्री में जाके देगा वो कहते बटे एक ही को नहीं मिला 2 है बाबू भी देखो खाली कौन जाओ मैं ना मिलूंगा तो बाबू मिलेगो खाली कौन जाओ। तो वास्ते 12 से 4 कभी भी कोई काम हो मेरे कने कुटिया आ जाओ, थारो काम है गांव को काम है कई रिश्तेदार को काम है कहीं को भी काम है मेरे कने आ जाओ, निजी काम है कोई सेवा को काम है। और आज से बुलाया मैं थारो बार प्रकट करूं धन्यवाद करूं फिर एक बारी। और मैं भोलेनाथ के मंदिर वास्ते 1 लाख रुपया तो अभी दे के जाऊँ और 1.5 लाख रुपये शिवरात्रि के बाद मेरे मंगा लियो 2.5 लाख रुपया अंदर जब यो पहुंचे शिव परिवार मैं मंगा दूंगा मेरी तरफ साजो को शिव परिवार मैंने मंगा दियो जयपुर जयपुर और मैं प्राण प्रतिष्ठा हुए मैं करा दूंगा आगे थर के बीच में बैठ एक मांग हो रहा भाई चार दीवारी अभी हम के करने को थे चार दीवारी में सरकारी करा दूंगा सरकारी बाबे गए हैं बाबे गए सारा बाबा बैठ जा रहे हैं ये तारा बाबा के खजाने का पीछा है। मैं तारा बार प्रकट करूं धन्यवाद करूं क्योंकि मैं आज मेरे को बहुत टाइम मैंने मैं क्षमा भी चाहूंगा तरह से कि जो टाइम दियो मैं टाइम पे कौन पहुंच कर क्योंकि आज लिंक में बहुत मेरा मन बने भी मैं आज तक कुटिया में पर्च करा करूँ कल से आज भी मेरे तो बढ़ती हो मेरा भी बर्थ हो गया कल से बर्थ करा करूँ पर मैं सोचो कल बर्थ कर पूजा करूंगा 3-3.5 घंटा लगा पूजा पूजा में से उठ ही आऊंगा फिर मैं बोले जी आज इंतजार करने आ रहे थे ना आज ही जाऊँ चाहिए मैं क्या आज ही जाऊँ एक बजे पहला भी मैंने टाइम दिया मैं पहुंच पहुंच के तो क्षमा चाहूँ पर तेरह आशीर्वाद खूब मिलो मैंने और अब तुम्हें तकड़ो सुधार
शिवलिंग मेरे कन्ने थे ना शिवलिंग है क्या बोली जी मार करें शिवलिंग मेरे कन्ने थे जिनका आदियो पूजा हाँ जी मैं पूजा से उठूंगा क्योंकि मेरी पूजा होगी मेरे साढ़े सात से साढ़े दस तक हाँ जी साढ़े तीन घंटा लगेगी ये साढ़े दस साल जी पूजा करके मैं उठूंगा कुटिया में होऊंगा कुटिया में शिवलिंग पड़ा है छह ठीक है जब मैं 15 साल से कुटिया की बाबा को आसिम भोलेनाथ के साथ गए ओंकारेश्वर के अंदर तो चाहे जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ कभी पंडित जी ने भी पूछ लियो कहेंगे तो दर्शन ही निहाल कर दे शिवलिंग पड़ेगा शिवलिंग वो जाके लगा लियो मैं जल चढ़ाइयो बेड़ा पार है जो भी तुम्हारी टाई लगाना चाहे वो लगाना चाहे लगा सामने एक दरबार वास्ते शो बाप ना गए वो काम कर ले पहले ना कर ले हम फल राम प्रतिष्ठा करा दे कोई बात समझ नहीं आ रही आगे क्या समझ नहीं चौथा भी तुम लोग लाओगे तो बड़ी मुट्ठी आ जाएगी सवा दो फुट सवा फुट जो सवा फुट सवा फुट नीचे जमीन ना कम रहोगे ज्यादा ऊंचा करा चुड़ाई भी 2.5 फुट रखी क्योंकि जो दरबार है नहीं महंगी भी कम से कम भी 2 फुट जगह भोलेनाथ के भी पीछे 2-3 इंच जगह रखनी पड़ेगी एजुकेशन वगैरह खा और 10:30 बजे मैं कुटिया में पहले दिन की मेरी पूजा है मैं उठूंगा वो शिवलिंग था ठीक है बढ़िया तो हो गई।